ब्राउन सुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ने में पाई सफलता। पुलिस बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 45,000 रुपए मानकर चल रही है। रीवा में सिविल लाइन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से 9 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 45,000 रुपए के आसपास पुलिस मानकर चल रही है। पकड़ा गया आरोपी रीवा के ही विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आनंदपुर का रहने वाला है, जिसे सिविल लाइन थाने की पुलिस ने पकड़ा है। रीवा में हाल के दिनों में देखने में नजर आया है नशीली कप सिरप कोरेक्स के अलावा अवैध शराब का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। वहीं ब्राउन शुगर के भी कुछ मामले देखने में नज़र आए हैं। यह अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। अभी तक रीवा में ब्राउन शुगर स्मैक के मामले लगभग ना के बराबर देखने में नज़र आते थे। आमतौर पर रीवा में जो मामले नज़र आते थे वो अवैध कप सिरप कोरेक्स के ही नज़र आते थे। रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने 9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। पुलिस को जानकारी मिली थी एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सिविल लाइन थाना अंतर्गत देखा गया है। तत्काल ही पुलिस ने अपनी एक टीम गठित की, संदिग्ध व्यक्ति को उठाया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से पुलिस को 9 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। हाल के दिनों में देखा गया है ब्राउन शुगर स्मैक के कई मामले रीवा जिले में देखे गए हैं। माना जा सकता है रीवा जिले के आसपास सीमावर्ती इलाके से ये ब्राउन शुगर और स्मैक जैसी चीज़ें जिले के अंदर प्रवेश करती हैं, उसके बाद ये उन लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं जो इसके आदि होते हैं, इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल लोगों का इस ओर रुझान कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नज़र आ रहा है, ऐसा आम तौर पर देखने में नज़र आ रहा है। फिलहाल रीवा में अवैध शराब कोरेक्स के काफ़ी मामले पुलिस की नज़रों में आ रहे हैं। लगातार हर हफ्ते 10 दिन में एक ना एक बड़ा मामला रीवा जिले की पुलिस अवैध कोरेक्स अवैध शराब को लेकर करती है, अपराधी पकड़ती है, उनसे भारी मात्रा में कोरेक्स अवैध शराब बरामद करती है। लेकिन जिस तेज़ी से पुलिस काम करती है, ठीक उसी तेज़ी से इस तरीके के कारोबार करने वालों का भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से मामले घटने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। रीवा की सिविल लाइन थाना काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। इलाके में रीवा शहर के तमाम वीआईपी बड़े अधिकारी रहते हैं। ऐसे में इस इलाके में ब्राउन शुगर मिलना काफ़ी गंभीर बात मानी जा सकती है। जी हाँ, सिविल लाइन पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी अंकित मिश्रा, पिता राजेश्वर मिश्रा, उम्र 25 साल, निवासी आनंदपुर थाना विश्वविद्यालय को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 9 ग्राम ब्राउन शुगर हमने बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 45,000 रुपये है। पूरे मामले को लेकर हमने सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सूचना मिली थी कि अंकित मिश्रा करके एक व्यक्ति है जो कुछ अवैध मादक पदार्थ लेकर अपने पोजीशन में लिए हुए है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक सुकुलाल द्वारा अपनी टीम गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसके कब्जे से 9 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभी इस तथ्य की जाँच इसमें की जा रही है कि ब्राउन शुगर उसने कहाँ से लिया है और किस तरह से उसके पास आई है और ये किसको देने के लिए लिया हुआ था। कितने आरोपी हैं? अभी फिलहाल एक आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लगभग कीमत कितनी होगी? लगभग 45,000 रुपये कीमत है।